अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारो चांद सितारों, सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। तो आज मैं ना आप लोग को इतनी बेहतरीन मार्केट का विजिट करवा रही हूँ, मतलब यहाँ के कलेक्शन के ना आप लोग दीवाने हो जाएंगे। आज की वीडियो की ना सबसे ज्यादा खास बात तो ये कि आप लोगों को यहाँ पर इतने कम और मुनासिब प्राइस बताए जाएंगे ना कि आप लोगों को दुकानदार के सामने ये कहने की जरूरत नहीं है, भैया हम उठ के जा रहे हैं, देखो प्राइस कम कर लो, ऐसे कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और आज मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि वेडिंग सीज़न ऑन है, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट एवर कलेक्शन दिखाई है। और तो और ज्वेलरी की बहुत धमाका वैरायटी है और ज्वेलरी वाले ने भी यहाँ बहुत डिस्काउंट किया था। सबसे बड़ी बात फुटवेयर्स की, ओ माय गॉड, इतनी ज़बरदस्त रेंज कि आप लोग भाई कहेंगे कि मुंतहा तुमने कमाल ही कर दिया। तो वाकई यार कमाल होने वाला है वीडियो में, तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते भाई, लाइक कर दिया करो, कुछ नहीं होता। और ये बता दूं हर शॉप से मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट लिया है, स्पेशल समझते हैं स्पेशल वाला। तो आप लोगों को यहाँ पे क्रॉकरी की भी वैरायटी मिल जाएगी। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं एड्रेस के साथ। सबसे पहले मैं बता दूं हाजी वली एंड सन्स की शॉप में आई हूँ और ये है गोल्ड मार्क नंबर 1। हमने गोल्ड मार्क 1 और गोल्ड मार्क 2 दोनों का विजिट किया है, ठीक है। ये गोल्ड मार्क 1 में शॉप है। और दूसरी बात ये बता दूं कि गोल्ड मार्क डिफेंस में है, DHA, ठीक है। एंड द सिटी इज कराची, कराची किंग। कराची बहुत अच्छा सिटी है क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल है और रीजनेबल प्राइस में शॉपिंग हो जाती है। तो अगर आप किसी भी सिटी से हैं, यहाँ से आप लोग ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप जो ये सूट देख रहे हैं ना, इसका आप लहंगा बनाएं, कुछ भी बनाएं, अपनी मर्जी से शर्ट बना लें, ठीक है, आपकी मर्जी है। इसमें काफ़ी डिज़ाइन और काफ़ी कलर थे, मुझे ये वाला कैरी वाला डिज़ाइन बहुत बहुत पसंद आया। और प्राइस यार आप लोग सुनोगे ना हैरान हो जाओगे, पहले देखो कितना मल्टी वर्क काम है इस पर, दूसरी बात कितनी डिटेलिंग है और कितना ही बारीक वर्क है, लग रहा है ना डिज़ाइनर पीस है ना, है ना। तो इसकी जो प्राइस है 3-पीस ड्रेस की वो 3500 रुपये है, वरना ये ड्रेस मैं बता रही हूँ 5-6 हज़ार से कम के मिलते ही नहीं है अगर ये मार्केट में इन होते तो। अभी ये मार्केट में इन नहीं हुए, वे बिल्कुल ही न्यू है। अच्छा दुपट्टा देख लें कितना खूबसूरत है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, या तो बॉक्स वाला लगा लें या फिर ये जो लाइन्स वाला दुपट्टा है ये भी लगा सकते। अच्छा इस फैब्रिक के अगर आप लहंगे आते हैं ना तो आपको 5000 कंप्लीट लहंगे की प्राइस पड़ेगी। इसमें आपको टॉप, दुपट्टा और इनर वगैरह सब मिलेगा, तो इसमें आपकी टेंशन नहीं अब, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इनके पास नेट का इस तरह का फैब्रिक था जो कि बहुत मस्त लग रहा था यार। इसकी आप साड़ी बनवा लो, मिक्सी बनवा लो, आपका दिल है, आप अपने बॉस हैं, जो करना चाहे करें। और ये मत सोचा करें कि भाई ये बनवाएं तो क्या हम पे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग साड़ी नहीं बनवाते ये सोच के कि भाई हमारी फिगर अच्छी नहीं लगेगी। तो भाई आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है ना, जो आप लाइक करते हो यार, ट्राई तो करके देखो, क्या पता आप लोग उसमें ज़्यादा हसीन लगो। मतलब हम लोग सोच रहे होते हैं ना कि ये अच्छी नहीं लगेगी हम पर, जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं होती, ऐसा होता है कि यार वो जब पहनो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये ना एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ है, और किसकी है, मेरी मामा की यार, मेरी नहीं है। अच्छा तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये ब्लैक फैब्रिक वाला ड्रेस में काफ़ी कलर्स मौजूद हैं। और अगर आप इसका सूट बनवाते हैं मैक्सी बनवाते हैं 4-पीस, तो ये 6500 की पड़ेगी। अच्छा दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देख ली इसमें काफ़ी डिज़ाइन है, और यहाँ पे भाई ने मुझे कहा था कि ये सुबह ही मैं लेकर आया हूँ, बिल्कुल ही न्यू आर्टिकल है, तो इसका भी आप लोग ज़रा चेक कर लें। मैक्सी का लुक बहुत प्यारा आ रहा था और इनके पास कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी, सो आप लोग को यहाँ लाजमी आना चाहिए क्योंकि ये शॉप मेरी फेवरेट बन चुकी है गोल्ड मार्क की, ठीक है। तो अब हमारे कोई इवेंट आए, यार इवेंट आता ही नहीं है ना, मतलब यही तो मसला है, इवेंट आए तो फिर हम शॉपिंग करें ना, और फिर आप लोगों को शॉपिंग दिखाएं, इवेंट भी दिखाएं साथ साथ। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, जल्दी जल्दी लाइक करें, मुझे कमेंट में बताया करें, अपने मशवरे दिया करें, क्योंकि मैं आप लोग की ही बात मानती हूँ और आपकी पसंद की चीज़ें लेकर आती हूँ। अच्छा इसके साथ देख लो दुपट्टा भी मौजूद है। अच्छा भाई ने कहा था
जैसे शर्ट में काम है गोल्डन और सिल्वर, तो गोल्डन वाला दुपट्टा भी ले सकते हो और सिल्वर वाला भी। फ़र्क क्या होगा? देखिए काम तो दोनों पे गोल्डन है, लेकिन क्या है, नग का फ़र्क है, यानी स्टोन्स का। एक पर गोल्डन होंगे तो एक पर सिल्वर होंगे, तो सिल्वर वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था। सही है। अच्छा, अब इनके पास इस तरह के रेडीमेड लहंगे भी हैं। और अच्छा, मैंने जो बताया है पहला वाला पर्पल ड्रेस देखा है, उसकी सेम ही प्राइस है जो आपने ब्लैक वाला देखा था। ठीक है, तो टेंशन नहीं लें, प्राइस की वीडियो देखते रहें, इंशाल्लाह सब कुछ गाइड करूंगी। आपने टेंशन नहीं लेनी भाई, टेंशन लेना सारा मेरा काम है। आप लोगों को हलवा मिला है, आपने बस वो खाना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लहंगे के साथ उन्होंने कहा था भाई ने कि ये शर्ट बहुत ज़बरदस्त लगेगी, और जैसा शर्ट में काम है ना बिल्कुल वैसा ही दुपट्टा है, तो यानी बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट भी कलर शर्ट का ले सकते हैं, डिफरेंट दुपट्टा ले सकते हैं, बट इन्होंने एक ना सिंपल सा बनाकर दिखाया है। इसकी जो प्राइस है, कंप्लीट थ्री पीस लहंगा कोई सा भी ले लें आप लोग, 4,500 का मिलेगा। ठीक है, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये लहंगा। बस आप इस पर इसके नीचे कैन पहने, ओ माय गॉड, आप लोग हसीन और जमील लगेंगे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए उन्होंने ग्रीन लहंगा भी अपने साथ लगा के दिखा दिया कि ये देख लीजिए किस तरह से लुक आएगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ग्रीन वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अच्छा, ये जो हमने आपको फैब्रिक दिखाया था ना नेट का, याद है, ब्लैक वाला पर्पल वाला, तो ये देख लें कितनी ज़्यादा घेर की फ्रॉक इन्होंने डमी पे सजा के लगाई हुई है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए ना कि लुक कैसा आने वाला है। ठीक है। अच्छा, ये वाली मुझे ना, ये वाला वाइट वाला कलर बहुत प्यारा लग रहा था। ओहो, कितना अच्छा लग रहा है ना। कोई खाने की चीज़ नहीं है जो मैं ओहो कर रही हूँ। अच्छा, इनका ये कार्ड और इस पर नंबर मेंशन है उबैद खान, जो ड्रेसेस दिखा रहे थे उन्हीं का नंबर मेंशन है, तो आपने मेरे चैनल का रेफरेंस देना है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए हैं ज्वेलरी शॉप पर, और ये जो आप नेकलेस देख रहे हैं एयरिंग के साथ, ये 250 का है, और इन्होंने बहुत अच्छा डिस्काउंट किया था। इन्होंने कहा था कि भाई जो चीज़ 300 की है ना, वो हम आराम से 250-200 की दे देते हैं। बाकी ये देख लें चेन्स वगैरह हैं, इनकी प्राइस मैं पूछना भूल गई, बट क्या करूँ, देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर देख लें कुछ ईयरिंग्स भी हैं, और ईयरिंग्स का कलेक्शन इनके पास इतना बॉम था, इतना खूबसूरत कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम इन लव विद दीज ईयरिंग, दीज आर सो ब्यूटीफुल, और जो इन पर डिटेलिंग थी, जो इन पर स्टोन वर्क था, वेरी ब्यूटीफुल, देख कर ही ना बंदे का दिल आ जाए, और बहुत देख रहे कितना हसीन है। अच्छा, इसकी जो प्राइस है ईयरिंग्स की, वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं, तो स्टार्ट इन्होंने बोला था कि 250-200 इस तरह से हो जाती है, और 150 रुपीज़ से भी स्टार्टिंग होती है। तो आप लोग जैसा देख लीजिएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट मैंशन करूँगी, तो आप मेरे चैनल का हर शॉप पे मेंशन करिएगा मेरे चैनल का रेफरेंस, फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो नेकलेस देख रहे हैं ये 350 रुपीज़ का है, बट इन्होंने कहा था कि मैं 250 का कर दूंगा, नेकलेस तो निकल चुका है, कार्ड शो कर दिया था। अच्छा, ये वाला जो नेकलेस सेट है, ये इन्होंने कहा था कि 450 का है, मैं 300 में दे दूंगा। अच्छा, ये वाला जो नेकलेस सेट है, ये 3-लेयर नेकलेस सेट है, और इसी तरह का 2-लेयर नेकलेस सेट, ये देखें ये रहा, 3-लेयर वाला आपको 450 का है, लेकिन 350 में मिल जाएगा, 2-लेयर वाला 350 का है, फाइनल 250 में मिल जाएगा। अच्छा, जो लेयर वाला नेकलेस है ना, ये मैंने रंग महल ड्रामा है उसमें वो जो एक्ट्रेस है राइज जिसका नाम रखा गया था, तो उसमें किसी लड़की ने पहना हुआ था, मुझे याद नहीं है कब पहना था, एंगेजमेंट वाले डे पर। अच्छा, बाहुबली इयरिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इसके अलावा आप लोगों को बैंगल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, उसकी प्राइस भी मैं आपको गाइड करती हूँ। ठीक है, आगे चल के जब मैं कंप्लीट आप लोगों को बैंगल्स की वैरायटी दिखाऊंगी, फिर मेंशन करूंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हर चीज़ की प्राइस गाइड की जा रही है, तो कमेंट में तुझसे ये मत कहना कि मुंतहा तुसी प्राइस दस यही ना। यार मुझे पंजाबी नहीं आती, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, पंजाबी कहते हैं लोग मीठी जबान है, तो बोलते हुए काफ़ी अच्छा एक्सेंट हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं बोल लेती हूँ कभी कभार क्या, बहुत ही कम। अच्छा, ये जो बैंगल्स हैं आप लोगों को इसमें प्राइस जो है वो मैं गाइड कर देती हूँ, 450-550 इस तरह प्राइस है, लेकिन 350 में आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये भावलपुरी इयरिंग है, ये 750 का है, लेकिन फाइनल 500 उन्होंने कहा था कर देंगे। बाकी ये देखिए इस तरह के इनके पास ब्राइडल सेट्स भी मौजूद हैं, और काफ़ी देख लें कितनी खूबसूरत वैरायटी है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी इनकी वैरायटी। अल्लाह, ये मेरे कैमरे को क्या हो गया। खैर, अच्छा यहाँ पर आप लोग देख लें, आपको इनकी वैरायटी जूम करके भी शो कर रही हूँ। असल में ये शीशे में पैक थे और ओनर इनके गायब थे, सिर्फ वर्कर यहाँ मौजूद थे, तो ओनर बता के चले गए थे कि ये कलेक्शन आपने दिखानी है प्राइस के साथ, तो
तो उसके बाद मतलब दुकानदार को बोल के गए थे, तो वो थे ही नहीं, तो वरना मैं आप लोगों को सेट भी दिखा देती। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम एक नई शॉप पर आए हैं और इनके पास अभी आप लोग देख रहे हैं सूट, लेकिन इन्होंने रखा हुआ है छुपा हुआ माल, यानी अंदर इन्होंने रखा हुआ है हंसी आ रही मुझे अपने आप पर, कंट्रोल मुनता कंट्रोल। अच्छा ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं पहले, ये 2500 का है, और अभी जो ब्लू देख रहे हैं ये है 3000 का। अब बताती हूँ छुपा हुआ माल क्या है, इनके पास है बहुत ही मैक्सी का अमेजिंग कलेक्शन, यानी आप लोग मेरे व्यूअर्स चांद सितारों देखोगे ना आप लोग कहोगे मुनतहा, मतलब इतनी छुपी हुई शॉप आपने दिखाई है, वाकई मैक्सी का कलेक्शन इनके पास बहुत ज़बरदस्त था, यानी हम जो डिज़ाइनर मैक्सी देखते हैं ना इनके पास वो मौजूद। तो अभी मैं पहले इनके सूट दिखा देती हूँ और थोड़ी ही देर में आप लोगों को मैक्सी की वैरायटी दिखाऊंगी, क्योंकि स्पेशल इन्होंने कहा था हमारी शॉप पे ज़्यादा वही हिट हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को वो भी दिखा दिया जाता है। यहाँ पर मैं इनसे प्राइजेस कंफर्म कर रही थी। अच्छा ऊपर वाला जो सेट है सूट है वो इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें थोड़ा मिरर वर्क भी हुआ हुआ है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मेरा दिखाना मकसद होता है आप लोगों को चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना, मार्केट का विजिट करवाना, बाकी लेना देना ये तो आपका अपनी मर्जी है ना। मैं आप लोग को यहाँ गाइड कर देती हूँ कि ये अच्छा लगेगा ये नहीं लगेगा, तो उस हिसाब से आप लोग अपना फैसला फिर कर लिया करें। ठीक है, और यहाँ पर देख लें ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी शाइनी सा था, जो कि बड़ा ही प्यारा सा लुक देगा इन द नाइट पार्टीज। ठीक है, अच्छा इसकी जो प्राइस है मैं मेंशन कर दूंगी, अभी पहले आप लोग ये मैक्सी देख लें। अच्छा ये बिल्कुल ही न्यू थी, ओपन मैक्सी थी, और इसमें जो इनर लगा हुआ था ना इज वेरी ब्यूटिफुल, एंड द इनर इज ऑफ फ्लोरल फैब्रिक, सिल्क का फ्लोरल। ठीक है, अच्छा इसके साथ बेल्ट भी थी। अच्छा अभी जो कुछ टाइम पहले स्टाइल चला था ना कि मैक्सी के साथ नेट का दुपट्टा साइड पे रख के फिर बेल्ट बांधी जाती थी, तो बेल्ट काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाया करती है, तो अभी भी आप लोग वो स्टाइल अपना सकते हैं। और अब तो वो स्टाइल ख़त्म हो गया क्योंकि रफल दुपट्टे आ गए हैं, तो ज़्यादातर वेडिंग्स में वही लिए जाते हैं। अभी जो है यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी मैक्सी, और इन्होंने कहा था ये 16 कलियों वाली मैक्सी और ज़्यादातर इन है ये। अच्छा पहली वाली मैक्सी की प्राइस जो थी वो सिल्क का जो इनर था फ्लोरल वाला, उसकी जो प्राइस थी वो 6000 है। ये जो 16 कलियों वाली मैक्सी देख रहे हैं अभी अपने सामने, ठीक है प्राइस में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये वाली मैक्सी आपको पड़ेगी 7500। क्यों? क्यों इसमें 16 कलियाँ हैं और ये थोड़ी डिफरेंट है, तो इसलिए इसकी प्राइस भी डिफरेंट है। इसमें आपको 12 कलर मिल जाएंगे और हर मैक्सी में तकरीबन 12 कलर हैं। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था कि भाई ये शिफॉन का सूट दिखाते, तो उन्होंने मुझे दिखाया, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, वाइट के साथ पिंक और मरून का कॉम्बिनेशन इस ड्रेस को बहुत पॉपअप कर रहा था, एंड इस ड्रेस का लुक बहुत ही भड़कर आया था। ठीक है, इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा था। अच्छा ये वाली मैक्सी भी काफ़ी अच्छी थी और इन्होंने अपनी मर्जी से निकाल कर दिखाई थी, इन्होंने कहा था कि सबसे हिट आर्टिकल है इनका, और इस पर वर्क इतना कोई ऑसम हुआ था, इतनी प्यारी डिटेलिंग हुई हुई थी, देख रहे हैं ना आप लोग, और नीचे इस तरह का ये रफल्स लगे हुए थे, बड़े प्यारे लग रहे थे, और ये डिज़ाइनर ड्रेस जो होते हैं ना उन पर इस तरह के रफल लगे हुए होते हैं, जो इस ड्रेस में लगे हुए थे वो फुल हैवी काम वाली मैक्सी थी। इसकी जो प्राइस है वो 6500 है, और आप लोगों को मैक्सीज में मैंने बताया जैसे कि कलर्स भी मिलेंगे, और ये तमाम 3 पीस स्टिच मैक्सी है। अच्छा यहाँ पर इनके पास लहंगे भी अवेलेबल थे, और लहंगे में आप लोगों को 12 डिज़ाइन मिल जाएंगे और अलग अलग कलर्स में। ठीक है, अच्छा ये 8500 रुपीस का लहंगा था और ये फुल रेडी है, बस फिटिंग करवानी है, शोल्डर स्टिच करवा के वेयर करना है और इन्जॉय करनी है अपनी पार्टीज़ अपनी वेडिंग्स, जो भी आप करना चाहते हैं वो करना है। ठीक है, और खाना भी ज़रूर खाना है क्योंकि शादी में खाना ही खाना होता है ज़्यादा, तो इवेंट में और पिक्चर लेनी होती है ड्रेस के साथ। ठीक है, अच्छा अब ना इनके पास कुछ 3 पीस जो है स्टिच ड्रेसेस थे, जैसे कि शर्ट गरारा शर्ट प्लाजो का इस तरह से, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले जो आप ये पर्पल सूट देख रहे हैं इसका आपको बॉर्डर भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है इसका जो दुपट्टा है वो फुल हैवी जाल वाला है इस तरह से, और इसकी जो प्राइस है वो 3000 रुपये है। ठीक है, क्योंकि इसका हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, इसके साथ स्लीव्स भी आपको मिलेंगी अलग से, और इसके अलावा इसके साथ ये देख लीजिए पूरा लुक ड्रेस का, अल्लाह ये क्या हो जाता है मुंतहा, बस 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 ठीक है ठीक है, कैमरा कूल डाउन हो गया। ठीक
ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें ये ट्राउज़र रहा और इसके ऊपर फ्रॉक है, ठीक है। इस तरह के आप ट्राउज़र फ्रॉक, ट्राउज़र शर्ट, ये ट्राउज़र के साथ गरारा भी देखते हैं ना, सबकी प्राइस सेम है, यानी 3 पीसेस आपको मिलेगा 4,000 रुपये में, ठीक है। इसके साथ फ्रॉक है इनर के साथ, और फ्रॉक जो है वो कलियों वाली है, और स्लीव्स भी आपको मिलेंगी जो कि आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक हो गया है। दुपट्टा भी आप लोग देख ले, बॉर्डर वाला है माथा पट्टी स्टाइल में। बाकी ये देखिए, ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि इसका बॉर्डर का काम बहुत ज़बरदस्त था, लग रहा था इस तरह से कि एप्लिक वर्क हुआ हुआ हो, और जो काम था बॉर्डर पर और प्लाजो पर वो इस ड्रेस को बहुत जान दे रहा था, और फैब्रिक इसका बहुत ज़बरदस्त था, मैसूरी टाइप मुझे लग रहा था। बाकी ये देखिए स्लीव्स भी इसकी साथ हैं, आपको दुपट्टा मिलेगा। ये ड्रेस भी 4,000 रुपये का है, ठीक हो गया है। क्लियर हो रहा है ना हर चीज़, कहीं फिर बोलो मुंतहा मुझे तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो ये बात नहीं ना, ठीक है, वीडियो पूरी देखा करें। दूसरी बात ये भी जो आपको बतानी थी मुझे, अच्छा यहाँ पर एक और ड्रेस है, इसका गरारा मुझे बहुत पसंद आया था। सिल्क का ड्रेस है, ऊपर जो गरारे का फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ है, मतलब ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो नेट टाइप है, ठीक हो गया है। नेट या फिर कोई और फैब्रिक है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा इसका जो दुपट्टा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस पर सारा का सारा कट वर्क था, ठीक है। और ये ड्रेस भी 4,000 रुपये का है। अब आपको इनका कार्ड शो कर देते हैं जी। अल्लाह ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा यहाँ पर ये देख लें, इनका नंबर मेंशन है कार्ड पर, जो बैक साइड पे नंबर था कार्ड पर उसी पे कांटेक्ट करना है। टार्ट की जो दो ड्रेसेस की शॉप थी वो गोल्ड मार्क 1 की थी, अब हम दिखाएंगे गोल्ड मार्क 2 का नज़ारा थोड़ा आपको। और ये एंटर होते ही गोल्ड मार्क 2 में लेफ्ट पर, हाँ जी, एक बहुत ही बड़ा स्टॉल भी है और अंदर पूरी जगह शॉप है, तो वो दिखा रही हूँ आप लोग को। एक तो राइट पर भी है लेकिन आपने जाना है लेफ्ट वाली पर, ठीक है। क्लियर रहा है आपको, गुड हो गया। अच्छा इनके पास 450 में सेल लगी हुई थी, जो जितने भी खुस्से पम्प्स फ्लैट्स कुछ भी देखेंगे ना, ये सब 450 रुपये का, काफ़ी अच्छा था, यानी आप 4-5 इवेंट आराम से इससे निकाल सकते हैं, और वैसे भी फैंसी हैं तो उसके बाद पहने तो जाते नहीं हैं, तो इसलिए इवेंट्स के लिए फिर बाद में काम आते रहेंगे, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मतलब इवेंट गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने ड्रेस महंगा ले लिया है तो फुटवेयर फिर आप इस तरह के ले सकते हैं जो कि आपके ड्रेस के साथ मैच भी हो जाएंगे, और फिर जब महंगा महंगा ड्रेस लिया होगा तो फिर जाहिर है आपके जो फुटवेयर होंगे वो भी उसके साथ पता कोई से लेगा कि सस्ते या महंगे, लेकिन हाँ ये फुटवेयर्स थे बहुत प्यारे, ठीक है। सारे ही फुटवेयर्स क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक्सट्रीम वाली अच्छी नहीं थी, बता सकती हूँ कि इवेंट निकालने के लिए बहुत अच्छे। अच्छा नीचे वाले जो फुटवेयर हैं ये 500 के हैं, ऊपर वाले जो थे ये जी 450 के हैं, ठीक हो रहा है। अच्छा अंदर चल के भी मैं आप लोगों को कुछ फुटवेयर्स की वैरायटी दिखाऊंगी, और अंदर वाली वैरायटी भी बहुत अच्छी है, और हर चीज़ की मैं प्राइस गाइड करूंगी अंदर वाली वैरायटी की भी। और फैंसी भी काफ़ी इनके पास खुस्से पड़े हुए थे, अभी ये जो खुस्से पड़े हुए हैं कोल्हापुरी भी हैं इनके पास, इसके अलावा जो नॉर्मल फैंसी फुटवेयर आते हैं वो भी पड़े हुए हैं, जो कि आजकल ट्रेंड में भी चल रहे हैं, मतलब ब्रांड के जो रेप्लिकास बनाए हुए हैं ना लोकल मार्केट्स वालों ने, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे, ठीक है। छोटे बच्चों के भी थे, यानी हर साइज़ आपको यहाँ पर मिलेगा, चाहे आपको फैंसी में लेना हो या कैजुअल में लेना हो, ठीक है। फैंसी लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा थे, कैजुअल भी थे, और कैजुअल की वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा यहाँ पर इस तरह की कुछ सैंडल्स हैं जो कि 800, 700 और 600 रुपये में हैं, जो कि फैंसी हैं, ठीक हो गया है। और यहाँ पर अभी आप लोगों को मैं कुछ और दिखा देती हूँ वैरायटी, ये देख लीजिए। अच्छा ये देखिए, ये फैंसी में कितनी प्यारी वैरायटी है, बड़ी प्यारी लग रही थी, और स्पेशली ये वाले जो फ्लावर वाले शूज़ थे ना, हील्स वाले, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें कितना प्यारा सिंपल सा डिज़ाइन है और कितना ही डिसेंट लग रहा है। और ये वाला जो जाली वाला था ना, ये वाला खुस्सा काफ़ी लोग पसंद कर रहे थे, और इन्होंने 1200 प्राइस बताई थी, कह रहे थे कि फाइनल 900 कर देंगे, तो ये देखें एक आप ही इसको ट्राई करी थी, और इनके पाँव में मेहंदी लगी हुई थी और इतना खूबसूरत लग रहा था खुस्सा पहनने के बाद। ओ तो मैंने बोला कि भाई दिखा दीजिए, मैं फिर मैंने इनसे पूछ के इनकी वीडियो शूट कर ली। अच्छा ये देखिए कैजुअल में भी काफ़ी सारे हैं, जो कि 400 ये वाले जो है, ये 500 रुपये के हैं, तो 400-500 यहाँ पर रेंज है इस तरह में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बाहर वाले जो थे, जो बाहर स्टॉल पर लगे हुए थे, 450 और 500 के थे, अंदर 400 और 500, ठीक है,
क्लियर हो रहा है। ये बार बार पूछने का मकसद ये कि आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वरना आप लोग इतने कमेंट कर देते हैं कि मुंतहा ये चीज़ आपने बताई नहीं। हाँ, जो आपको बताने के बावजूद भी समझ ना आए ना, तो आप लोग बिला झिझक पूछें, आपकी मुंतहा है ना, व्हेन मुंतहा इज हियर सो डोंट नीड टू फियर। ठीक है, ये एक डायलॉग है जो मैं अपने पास से बोल रही हूँ, सॉरी अपने पास से नहीं बोल रही, मैंने जो है सुना था कहीं तो फिर ने बोल दिया ये कार्टून में। अच्छा, ये है गोल्ड मार्क में क्रॉकरी की शॉप, और मैं यहाँ पर बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती कि आप लोग आएँ। ठीक है, इसलिए, और आप लोग बोलेंगे कि भाई मना कर रही है तो वीडियो क्यों बना रही है, तो ये मकसद ये था। पहले तो मैं ये बताऊँ, द क्वालिटी इज़ वेरी अमेजिंग, इनके पास बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन जो ये डीलिंग कर रहे थे, जो बिहेवियर था इनका, इज़ वेरी वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड। माना कि यू आर ओनर एंड आप से हम बाय करने आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग इसलिए प्रमोशन कर रहे हैं क्योंकि ताकि हमारे व्यूअर्स आ सके, उनको पता चले कि कहाँ पर राइट चीज़ है। बट जब मैंने इनका बिहेवियर देखा लेडीज़ के साथ, ओ मैंने कहा कि भाई ये मैं कहाँ गई हूँ, बिहेवियर इनका बिल्कुल भी, मेरे साथ तो छोड़े, और भी जो विमेंस थी अंदर शॉप में उनके साथ भी अच्छा नहीं था। ओ बाजी क्या कर रहे हो तुम, कैसे ले रहे हो, इतने का नहीं मिलेगा, जाओ कहीं और से ले लो, इस तरह का बिहेवियर। ओ और फिर मैंने तो वहाँ पर इनको बोला कि भाई आपको इस तरह बात करनी ही चाहिए, आपको हक कैसे बनता है, मतलब बहुत बुरी तरीके से उन्होंने अपना बिहेवियर रखा। लेकिन ये वीडियो शूट करने के बाद ये हरकतें कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो, किसी किसी का मूड ऐसा होता है। हालांकि सुबह का टाइम था जब हम लोग यहाँ पर गए, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि जैसे कि, यानी कि दुकानदार का ऐसा होता है ना कि बैठे बैठे मानते हैं कि पूरा दिन बैठे बैठे कस्टमर से डील करके सर में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन इनका तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर सर गया हुआ था। यानी भाई साहब ने कुछ ठंडा नहीं पिया हुआ था, इसलिए शायद चाय पी ली थी तो दिमाग बहुत गर्म हो रहा था। तो कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है ऐसा बिहेवियर, तो हम बुरा नहीं मानते। हमने बनाई इनकी, पहले स्टार्ट में वीडियो इनकी शूट हुई थी और उसके बाद फिर इन्होंने जो लोगों के साथ बिहेवियर करे थे, और इसके अलावा इन्होंने मेरे साथ भी थोड़ी ऊंच नीच की, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने इस शॉप का इसलिए नाम शेयर नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इनकी जो है अलग से मतलब कुछ हो, या फिर जो इनके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं वो ख़राब हो, तो इसलिए फिर मैंने इनकी फेस शो किया, बस इनके चीज़ों पे फोकस रखा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई यहाँ पे क्रॉकरी भी है। बाकी इस शॉप की मैं बिल्कुल गारंटी नहीं ले रही, आप लेन देन अपनी मर्जी से कीजिएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे व्यूअर्स ये बोलते हैं कि भाई बिहेवियर भी बताया करें शॉपकीपर का कैसा था, तो जिनका अच्छा होता है मैं उनका अच्छा बताती हूँ। जैसे कि पहले जितनी भी शॉप दिखाई है क्रॉकरी से पहले, सबका बिहेवियर वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बिहेवियर था, सबने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। और देखते हैं ना कि भाई जो इतनी अच्छी बच्ची है, और मैं अपने आप को ही बोल रही हूँ, कितने अच्छे तरीके से ये वीडियोस बनाती है, और मैं काफ़ी मेहनत भी कर रही हूँ यार, अपने मियाँ मिट्टू हो रहा है, बस मुंता बस। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, आपने भी जरूर मिलना है। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर ये चिकनकारी के ड्रेसेस हैं, 12 आपको 1200 का शर्ट पीस मिलेगा। तो मैं भी जा रही हूँ, आप भी जाइए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।